3.5 रुपए पर किलोमीटर। थोड़ा सा पहले गाड़ी ऐसे बैक हुई, उसके बाद फिर आगे गई। सो सबसे पहले एक छोटा सा अपने यहाँ पे टेस्ट कर, विजिबिलिटी आपको बहुत क्लियर मिलती, सीधे आपको रोड दिखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आशा मोटर। तो भाई देखो, आज हमारे पास है टाटा टियागो, यानी टाटा का वरदान, जिसमें हमें मिला है टाटा सीएनजी, मतलब टियागो सीएनजी, उसके साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि और कोई भी ब्रांड नहीं यहाँ पे ऑफर करती है। तो आज हम इस गाड़ी को चला के देखने वाले कि क्या क्या जो रियल लाइफ में जो कनेक्शन है वो यहाँ पे आपको मिलती है, मतलब रियल लाइफ में चलाने पे आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर कैसी ये गाड़ी परफॉर्म कर रही है, सबके बारे में बात करने वाले इन डिटेल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो के भाई, आ गए गाड़ी के अंदर में। कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब गाड़ी को स्टार्ट करने पे जो इनिशियल इंप्रेशन है, मैं आपको यही बोलूँगा कि गाड़ी आपको ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होती है। और सबसे पहला चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई बहुत, मतलब पहली ऐसी गाड़ी है जो कि आपको सीएनजी मोड पे स्टार्ट होती है। बाकी जितने भी सारे ब्रांड्स आते हैं, जितनी भी सारी सीएनजी गाड़ी आती है, सब आपको पेट्रोल मोड पे स्टार्ट होती है, बट ये जो अपनी गाड़ी है टाटा टियागो, ये अपनी सीएनजी में स्टार्ट हुई। चलिए ड्राइव करते हैं। सो सबसे पहले एक छोटा सा अपने यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जो इससे हम बोलते हैं क्रीप टेस्ट, कि भाई गियर में मैंने डाल दिया, एक्सीलेटर मैं नहीं लूंगा, और देखूंगा कि कितने स्पीड तक ये जो अपनी गाड़ी है ये चलती है। तो मैंने ब्रेक पे से पैर हटाया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 7 किलोमीटर तक का जो स्पीड है ये अपनी ले लेती है। एंड अगर ये फ्रंट में ऐसे कर रही है तो भाई रिवर्स में भी ये आपको ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर का जो स्पीड है वो आपको देगी। अब अगर चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब सीएनजी होने के बावजूद यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हुई कि भाई जो पिकअप है, मतलब एज पर कि अपनी सीएनजी मोड पे है और सीएनजी मोड पे चल रही है, बट उसके बाद भी जो पिकअप आपको मिलती है वो बहुत ही ऐसे आपको इंप्रेसिव मिलती है। तो पिकअप वाइज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा गाड़ी को खींच के हम लोग देखते हैं। थोड़ा सस्पेंशन का टेस्ट। तो सस्पेंशन वाइज में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बट एक चीज मुझे क्या लगा कि मैंने जब इस गाड़ी को ऐसे पुल किया तो थोड़ा सा पहले गाड़ी ऐसे बैक हुई, उसके बाद फिर आगे गई, तो वो एक फील मुझे यहाँ पे आया। और एक चीज़ मुझे और फील हुआ कि जब सेकंड गियर से थर्ड गियर पे जब गाड़ी ऐसे शिफ्ट होती है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे लैग होता है। बाकी टॉकिंग अबाउट इट्स ट्रांसमिशन, क्योंकि अपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और कोई भी ऐसे ब्रांड यहाँ पे ऑफर नहीं करती है सीएनजी में ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। मैं अभी लाइट, मतलब फूट में बहुत हल्के पैर से यहाँ पे गाड़ी को चला रहा हूँ, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाल के देगी। लेकिन जैसे ही आप इसे लाइक एकदम पूरा होता है ना, एकदम पूरा पैर पंजा दबा दिया एंड देन फिर आप चाह रहे हो कि भाई गाड़ी भागे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे लैग मिलेगा। तो परफॉर्मेंस बहुत ही ऐसे डिसेंट आपको जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको निकाल के देगी। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, इतनी छोटी गाड़ी है या फिर अपनी जो टियागो है, ये कोई परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं लेगा कि भाई मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, भाई मुझे डेली गाड़ी को भगाना है, तो उस टाइप से जो कोई ये गाड़ी लेगा नहीं। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज भी आपको काफ़ी ऐसे डिसेंट साइड पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे निकाल के देगी। ट्रांसमिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप आराम से चला सकते हो। मतलब एक वो था ना कि भाई लोग सीएनजी तो ले रहे थे, सीएनजी सबको लेने का मन था, ऑटोमेटिक भी चाहिए था, बट लोगों के पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो भाई लोग जो है वो ले रहे थे अपना ये मैनुअल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंजन रिफाइनमेंट के बारे में। तो देखो, आप जितना भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आप जाओगे तो रिफाइनमेंट के बारे में वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ रिफाइंड इंजन वहाँ पे मिलता नहीं है, बट एज़ फॉर दी टियागो गोज, यहाँ पे आपको रिफाइनमेंट अच्छा मिल जाता है, कोई बड़ी वाली बात वहाँ पे नहीं है। जो इंजन जो आपको वाइब्रेशन है वो आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो आपको यहाँ पे फील नहीं होंगे। बाकी फीचर वाइज यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प होगी। सेफ्टी वाइज आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ्टी भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे सेफ्टी मिल जाता है। 4-स्टार ग्लोबल एनकैप जो रेटिंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है अपने टियागो के साथ, तो उसमें भी हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्पेंशन वाइज भी अगर मैं यहाँ पे देखे तो सस्पेंशन भी आपको बहुत ऐसे कंफर्टेबल जो सस्पेंशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप सिटी ड्राइव में चला रहे हो या फिर आप थोड़ा उबड़ खाबड़ रोड से भी अगर आप जाओगे तो सस्पेंशन वाइज आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा निराश होने वाली बात नहीं है। एंड इवन अगर आप इस गाड़ी को लेके जैसे आप हाईवे टूरिंग के लिए जाना चाहते हो कि भाई मैं हाईवे पे लेके जाना चाहता हूँ, तो कभी कभार हाईवे पे लेके जा भी रहे हो तो भाई उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, लोग का वही था ना कि भाई मैनुअल मिल रहा था तो चलाने में हमेशा दिक्कत होती थी सीएनजी में, तो वो चीज़ आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गई है। एंड यहाँ पे आपको इंजन बहुत अच्छे से पुल करता है, मतलब कोई भी हेजिटेशन या कोई भी स्ट्रगल नहीं करता है कि भाई, मतलब एक होता है ना कि ये स्ट्रगल कर रही है गाड़ी को खींचने में ऑटोमेटिक होने के बाद, तो वैसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आप ऑन दी गो पेट्रोल और सीएनजी पे स्विच कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सीएनजी पे हटाया एंड पेट्रोल मोड पे ही आ गई, एंड जस्ट मैं आपको इसको सीएनजी मोड पे करता हूँ। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो पेट्रोल इंजन पे आपको परफॉर्मेंस 100% आपको अच्छी देखने को मिलेगी, उसमें नो डाउट है।
क्योंकि देखो सीएनजी मोड पे आपको जो पुल है वो थोड़ा लैग, मतलब लैग होने पे, मतलब लैग आपको हल्का फुल्का वहां पे देखने को मिलता है, थोड़ा लैग के साथ आपको गाड़ी पुल करती है। बट जैसे आप पेट्रोल मोड पे आप शिफ्ट करोगे तो आपको एकदम, मतलब जो पेट्रोल पेट्रोल वेरिएंट जो आता है ना टियागो का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट, वैसे ही आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको निकाल के देगा। तो उसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने ऑलरेडी भाई गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू बनाया है, तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने फीचर्स वाइज सारी चीज़ें वहाँ पे बात करी है। तो उसका मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको और कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत है वो वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह भी गाड़ी की आपको बहुत ऐसे अच्छी देखने को मिलती है, तो ब्रेकिंग वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो गाड़ी में ऐसे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अब जो एक लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई देखो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑलरेडी जो बाकी सारे मतलब जितने भी पेट्रोल वाले वेरिएंट आते हैं उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑब्वियसली जो माइलेज है वो कम आता है, तो सीएनजी होने के बाद इसकी माइलेज कैसे आती है? तो देखो सीएनजी का ऑब्वियसली जितने भी सारे पेट्रोल ऑटोमेटिक आती है उससे कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे सीएनजी ऑटोमेटिक में ज़्यादा जो ट्रांसमिशन मतलब होने के बावजूद यहाँ पे आपको जो माइलेज है वो ज़्यादा यहाँ पे निकल के आएगी। ऑलमोस्ट अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे चला रहे हो तो 3.5-3 रुपये पर किलोमीटर वाला जो आपका हिसाब किताब है, जो रनिंग कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको निकल के आने वाली है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिटी में क्या होता है कि सिटी में आपकी जैसे अपनी ये सामने ट्रैफिक है तो आप अलग अलग कंडीशंस पे वहाँ पे गाड़ी चलाते हो। जैसे आपको सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है, कम ट्रैफिक मिल रही है, प्लेन रोड मिल रहा है, ओवर कवर रोड मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो रनिंग कॉस्ट है वो वहाँ पे कभी कभार वहाँ पे बढ़ जाती है। बट अगर उन सारी चीज़ों को भी अगर मैं यहाँ पे समअप करके बोलूँ तो ओवरऑल जितने भी सारे आपके जो नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती है पेट्रोल में उनसे तो आपको ये ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा, नो डाउट। बाकी यहाँ पे आपको कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। रियर सीट की भी जो कंफर्ट है वो आपको काफ़ी डिसेंट साइड पर रखी गई, कंसिडरिंग कि आपको एक छोटी हैचबैक है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली जो बात है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, बाकी ड्राइवर सीट की कंफर्ट के बारे में मैं बात करूं तो भाई कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। विजिबिलिटी आपको बहुत क्लियर मिलती है, सीधे आपको रोड दिखता है, तो बहुत अच्छा खासा आपको गाड़ी पे एक ओवरऑल जो एक कंट्रोल है वो आपको गाड़ी पे बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। फीचर वाइज में आपको गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाती है जिससे क्वालिटी बहुत ऐसे अच्छी साइड पर रखी गई है। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जो आपको कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपको कंप्लीटली डिजिटल में मिलता है। फीचर वाइज में अगर आप देख रहे हो गाड़ी को तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी ऑन रोड प्राइस जो है पुणे में ऑलमोस्ट 10-10 लाख के अप्रॉक्स आपको जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ जाती है। बाकी आपके सिटी आपके स्टेट में क्या पड़ रही है वो आपने नियरेस्ट डीलर पे जाके पता कर सकते हो। बाकी देव मोटर्स के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके अपनी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सपोर्ट के लिए आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको इस वाले वीडियोस के मदद से एक प्रॉपर अंदाजा लग गया होगा कि अगर आप टाटा टियागो लेना चाह रहे हो, खासकर AMT में CNG वाला ऑप्शन अगर आप चूज करना चाह रहे हो तो आपको एक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, वहाँ पे डेली अपडेट्स और डेली जो रील्स वगैरह इस गाड़ी के रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज HM Auto World साइनिंग ऑफ।